हवा क्या हुआ? मम्मी देखो परेड करने लग चुके थे। हर बार कुत्ते कुत्ते क्यों करते हो? कुत्ते के बाप हो तू? ऐसा करके आना पड़ा है ना। तेरे पापा ने वार्निंग दे रखा, तेरा तो सर फोड़ दूंगी। तो नंगे पैर आ रही देखो, बेटियां और बहुएं पत्तियां इकट्ठा कर रही हैं। एक सूखी लकड़ी थी, मेरे लिए किया तुमने काम, मैंने इतना खेत कमाया, भारी टेढ़ी कर दी। मीनू जी का फोन में चुपचाप इस पतीले में ढक देता हूँ। इस प्रकार से नदी पार करके जाना पड़ता है। रेगी का हम लोग बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं। ताली नहीं दूंगी भी, चट्टी क्यों किया वहाँ पर? हम दोनों में थोड़ी बहुत महाभारत सी हो गई है, परेशान हो गई। पहले ले जाते हैं पापा और मम्मी जी के लिए। जय श्री राम दोस्तों, भारत माता की जय, जय देवी उत्तराखंड। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे गांव नामिक ग्लेशियर के इन खूबसूरत वादियों से मेरे एक नए ब्लॉग में। आज सुबह के मौसम की बात करें तो देखिए भाई साहब, बर्फ लगने वाली है। और अगर गांव में एक हफ्ते मौसम ऐसा ही रहा तो कुछ ही दिनों में बर्फ ही पड़ जाएगी गाँव में। तीनों के तीनों हम लोग जा रहे हैं जंगल। मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया। आज तो आपने दो गिलास चाय पी लिया यार। कब दिया यार दो गिलास? एक गिलास तो पिला, एक तो खा ले, कल परसों का है यहाँ। तो यार दादी, कल परसों से आपने यहाँ पर रखा, कम से कम धो तो लेते। आप दो 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 बहु हो के नाते हो के फिर मैं धोता हूँ गिलास को, जिसको चाहिए धो लो। अच्छा, और सुबह सुबह बीड़ी पी रहे हो आप? स्वास्थ्य तेरा कमाई थोड़ी पिला, तू कभी बीड़ी देते हो मेरे को, मेरा दिल का भयम भी दूर हो जाता है, मेरा सब कुछ अच्छा होता है। मुझे बीड़ी पी गए, बीड़ी नहीं पीऊंगा तो मेरा पेट होता है ना गड़बड़। हाँ, बीड़ी पीने से कैंसर होता है। कैंसर होता है? आपका बाप का नहीं खा रहा, मेरा बाप वो ठीक है, आप अपना ही खा रहे, लेकिन कह रही है मैं अपना आप होता है मेरे। अच्छा राय मत दो, और मेरे दादी क्या कहती है? दादी ऐसा कहते हैं बीड़ी पीने से कुछ नहीं होता है, शराब पीने से सब कुछ होता है, कहता है। जबकि दोनों अनार आम बोलो। अच्छा, शराब पीने से सब कुछ होता है, बीड़ी पीने से कुछ नहीं होता? बीड़ी पीने से कुछ बीमार नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अरे शराब पीने से कितना घर बार खत्म होता है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बच्चे। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज? आज तू लकड़ी लेके आएगा, सूखी लकड़ियाँ, और हम दोनों सास बहु सूखे पत्ते लाएंगे, उसे खाद बनाएंगे ना सूखे पत्ते से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो इनसे तो मिल गए थे मम्मी से, तभी कैसे हो? बढ़िया। जय श्री कृष्ण दोस्तों। ये तो हमेशा कृष्ण भगवान कितने अच्छे भक्त है ना, हमेशा जय श्री कृष्ण बोलते रहते। चलो बोलो फिर थोड़ा कुछ। जैसे हम लोग पतीला बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? पतीला। दूसरी बार आ रही हूं जा रही। अच्छा अच्छा। हाँ तो तेरे पापा ने वार्निंग दे रखा। कैसे वार्निंग? अरे कोई मीना से कुछ कहेगा तो उसकी शामत आ जाएगी। क्यों? हमारे घर में लक्ष्मी भी आई है, ये सारा प्यार दो बोल, अपनापन दो बोल, वो गढ़वाल से लेकर कुमाऊं का सफर करके आई है बोल, तो उसके साथ जैसे उसके घर में व्यवहार होता था, एक माँ का व्यवहार, एक बाप का व्यवहार, दादी का व्यवहार, और भाई के जगह तू पति, पति का व्यवहार अच्छा होना चाहिए ना। वैसे ठीक कह रहे हैं। कहीं कहीं गलती में आपने भी मेरे को भाई के जगह भाई नहीं बोल दिया। मेरा तो सर फोड़ दो। वो बढ़िया करके मम्मी देखो परेड करने लग चुके थे। करियो मॉर्निंग वॉक कर रही मम्मी। मॉर्निंग वॉक तुम भी करो। अरे वाह, तो देखो हमारे नाना जी ना आर्मी में सूबेदार हैं, आजकल रिटायर हो रखे हैं, तो उनका भूत चढ़ गया मम्मी में। भाई क्या हुआ? क्या हुआ रे? मम्मी को देख हंसी आ रही। मम्मी आपको देखिए, आपकी सास हसरी है ना? सास कह रहा हूँ, बहु हसरी है। एकदम छोटा सा झरना आप लोग इसे कह सकते हैं। तो हमेशा ना यहाँ पर हम लोग फटाफट भाग के जाते हैं। देखो फिर से खुश हो गए पहले की तरह। यहाँ पर आपका घराट है जो कि पानी के द्वारा चलता है। पहाड़ों में जहाँ पर पुल नहीं होते और नदियाँ होती ना, इस प्रकार के पत्थरों के माध्यम से हम लोगों ने बनाया होता है रास्ता। ये देखो मस्ती करते रहते हैं ये, जब इसको समय मिलता है ना। यही हो रहे पत्तियाँ, ये पत्तियाँ देखो पेड़ के कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो शहरों में दिल बहलाने के तरीके हजार हैं, लेकिन हमें अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से ही प्यार है। जैसे हम लोग सोते हैं तो हम लोग कपड़ों को, बिस्तरों को यूज करते हैं पशुए ना, तो उनके लिए ये पतीलों का प्रयोग किया जाता है ना, कि उनको ठंडा ना लग सके। 4 बजे यहाँ पर देखो हमारी भाभी आ गई है, और बड़ा करके कुछ इस प्रकार से आपके जितने भी पतीला होंगे ना, ये सब निकाल रही हैं, यहाँ पर इकट्ठा कर रही हैं। हम लोग डाउन की तरफ चल रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने लकड़ी और पतीला इसी खतरनाक रास्ते से लेके आना है। मीना जी और हमारी मम्मी जी दोनों ही जंगल जा रहे मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं घर में ना बैठे रहूं, सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके लेके आऊं ना। इस रास्ते में इतना ज्यादा खतरा है, ये वाले रास्ते में जब हम लोग इधर उधर से आते हैं कोई भी लोग, तो सबसे खतरनाक डेंजरस रास्ता यही है ना। नंगे पैर आ रही देखो, आराम से आना मम्मी। ये भी तो लकड़ी फाड़ेगा, बस वीडियो बना ले मेरे, लकड़ी फाड़ना देरी हो रही है। क्या हुआ? हमें तो पत्ते यहीं दूर थे। हाँ तुम्हारी वजह से जाना पड़ रहा है उधर। हाँ चलो चलो चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या
अब मैंने क्या कर दिया होगा इसको, छोटे छोटे बातों में ना दोस्तों बच्चों की तरह नुनू बात में। मम्मी जी ने यहाँ पर शुरू कर दिया है आपके पत्तियां इकट्ठा करने का, हमारी मैडम जी ने भी बड़ा करके पत्तियां इकट्ठा कर रहे हैं। देखो कितने फटाफट, देखो यार भाई साहब पत्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं। देखो दोनों सास बहू लगे पड़े हैं काम करने में, सुबह ही बेटियां और बहुएं हर कहीं के काम करते हैं। बेटा जल्दी जल्दी लकड़ी फाड़ो, वीडियो न बढ़ाओ। मैं भी चलता हूँ फटाफट सूखी लकड़ी फाड़ने के लिए ना कुल्हाड़े के माध्यम से, वरना खतरनाक धमकियां मिल रही है कि मुझे यही छोड़ देंगे। सूखी लकड़ी थी, इस पेड़ को बोलते हैं हम लोग गड़े। और हमेशा मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से पर्यावरण को बचाने के लिए भी कहता हूँ, क्योंकि इन खूबसूरत पर्यावरण के बीच में हम लोग रहते हैं। तब जाके कुल्हाड़े के माध्यम से आधे घंटे में मैंने लकड़ियां फाड़ दी हैं सूखी वाली, और कुछ लकड़ियां यहां पर मैंने रख दी हैं सूखी वाली, तो थोड़े बहुत मैं आज ले जाऊंगा और थोड़े बहुत मैंने यहां पर रख दिए हैं। इन्होंने पूरा का पूरा यहां पर पतीला भर लिया है। इनकी तो गाल पर डिंपल भी है यार, दिखा तो इधर डिम्पल आ रखा हुआ। गर्मी हो रही है, इतने खतरनाक ग्लेशियर वाले एरिया में तुम गर्मी हो रही कह रहे हो? धूप कहाँ आई है? घाम मतलब धूप, मतलब धूप नहीं है पर गर्मी हो रही है। फाइनली यहाँ पर मम्मी जी लोगों ने भी पतीला भर के कर दिया रेडी। अब मैं भी अपने सूखी लकड़ियों की भारी को बनाता हूँ। तो यहाँ पर अब मेरी लकड़ी की भारी बन रही है, यहाँ पर प्रतिभाग करने के लिए मम्मी भी आ गई है। भारा बन के रेडी हो गया है, फाइनली हमने भारा लगा दिया है, देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से सुबह सुबह हम लोग काम कर रहे हैं, तो पहाड़ में काम तो करना ही पड़ता है ना। मेरे तो वेगी पर मम्मी का नहीं वे अभी, तो हम मम्मी को पत्ते सूरेंगे उसके बाद जाएंगे हम घर। देख सकते हो एकदम मस्त बना है एकदम। देखो बढ़िया करके आपका पतले लेके आ गए हैं पतीला, दूसरी बार सर पर लगा के लेके आ रहे, तो इसको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी। कैसा फील हो रहा है? मतलब हल्का ही हो रहा है, पत्ते हैं सूखे पत्ते हैं हल्के हो रहे हैं, पर जो यहाँ पे जोर पड़ रहा है उससे मेरे गर्दन में जोर पड़ रहा है। मैं भी फटाफट चलता हूँ। तुमने भारी टेढ़ी कर दी, उतना अच्छा भरा लगा रखा था तुमने, पूरा गड़बड़ कर दिया। हम लोग पुरुष हैं तो ये नहीं सोचना होगा हम लोगों ने काम नहीं करना है, बल्कि सभी लोगों ने मिलजुल कर काम करना हुआ तब जाके घर बार बनता है। भारी यहाँ पर रख दिया है, अगर यहाँ से गिरा तो फिर से मैडम जी के हाथों थोड़ी बहुत डांट खानी पड़ेगी। तो चले जी थोड़ा बहुत मम्मी जी की हेल्प भी करते हैं। मीना जी की पतीले की जाली यहाँ पर, जंगलों के बीच में मैं भी घुस चुका हूँ दोस्तों मम्मी जी की हेल्प करने के लिए। जस्ट यहाँ पर मम्मी जी हैं और उधर पे मीना जी है, और बड़ा करके इस प्रकार से शूटिंग हो रही है। मजे आ रहे हैं चलने में, मम्मी जी काम कर दे बोल और मैं इतने मजे ले रहा हूँ। हरने भी देखने को मिल सकता है जिसे हम लोग रॉन बोलते हैं, तो अब इसका सीजन जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा सूख गया है, लेकिन यहाँ पर जो ये वाला फर्न है देखो थोड़ा बहुत हरा बचा हुआ है। मम्मी जी और मीना जी सास बहू दोनों की मेहनत जारी है, दोनों लगातार काम में लगे पड़े हुए हैं। पर्यावरण हमें किसी न किसी रूप में बहुत ज्यादा मदद प्रदान करता है। देखो कुछ इस प्रकार से जाली में आपके पत्तियों को भरनी है, तो जाली में पत्ती भरने के लिए भी अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं। क्या मिला ये चिमटा? तो वो होता है जिससे हम कीर्तन भजन वाले नहीं होते वाला। अच्छा, तो एक प्रकार का कुकुरमुत्ते की प्रजाति है और एकदम विषैला होता है, तो इसे खाते नहीं है। पत्ते में कुछ और है जैसे कि आपको पता होगा, मस्त करे बिस्तर जैसा काम ऐसा काम हो रहा है। बिस्तर नहीं हो, गाय में सब बिस्तर है। अगर तुम्हें ऐसा बिस्तर चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट करे। मीनू जी का फोन में चुपचाप इस पतीले में ढक देता हूँ। फोन कहाँ जेब में मिला, नहीं मिला, कहाँ है? रो क्यों रही अब, कहाँ है फोन? देखना ही कहीं होगा भाई। तो ये देखो ये मिल गया आपका फोन। रोने लगी मम्मी वो फोन तो लाया ना, फिर देखना मार खाएगा तो खाली पागल पंडित क्यों करता। वो तो हंसता खेलता परिवार भी, हम उसे यहाँ से छूट गया तो हो गया। मम्मी जी जाली में भर रही हैं पतीला, हम दो लगे हुए हैं, थोड़ा हेल्प कर दो मुझे लेना बनाना। तो मम्मी जी के लिए हम लोगों ने बना दिया लट्ठी, क्योंकि मम्मी जी के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रही, फिर भी देखो आई है, आज स्कूल में छुट्टी है ना। क्या सुनाऊं, इतनी मधुर आवाज नहीं है। वो तो पता है हमें, आवाज सुनाओ मेरी मधुर आवाज सुनाओ। तो इतने खतरनाक भारी पतीला को लेके, लकड़ियों को लेके हम लोगों को इस प्रकार से नदी पार करके जाना पड़ता है। ऐसे रास्तों में थोड़ा बहुत भी पैर फिसला तो हमारे साथ क्या दुर्घटना हो सकती है आप समझ सकते हैं। फिर से हमें एक और नदी का सामना करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से रास्ता बना रखा है देखो। जाना हाँ गोर खेतों, आराम से। हाँ तो देखो यार रास्ता इतना खतरनाक है और फिसलन वाली है, साथ ऊपर से ऐसा करके आना पड़ रहा है ना, इतना ज़्यादा स्ट्रगल है। यहाँ पे भीग गई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ये पूरा का पूरा छोटा सा झरना सर पे ही गिरता है देखो।
तो पुराने जमाने की बात करें तो कुछ इस प्रकार के ही मकान होते थे। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ लोगों ने इस प्रकार के मकान को बनाना छोड़ दिया है। मम्मी जी लोग तो जाएंगे होम स्टे में और मुझे जाना है आगे। सर जी गुड मॉर्निंग। तो मेरा रहेगी 1 साल हो गए, तो बचपन से इसको हम लोगों ने बहुत ज्यादा पाला है। बकरी वाले डॉगी होती है ना, तो उनका एक बच्चा है ये। अभी 1 साल 5-6 दिन का हो चुका है और दादी जी ने आई थिंक इसको दे रखा है यहाँ पर खाना, तो खाना खा रहा है मेरा प्यारा सा रैगी। पूरे नामिक गांव में आज तक किसी ने भी डॉगी को नहीं नहलाया होगा, लेकिन हर रैगी ना हफ्ते में 2 दिन नहाता है लगा लो। इसको पता नहीं क्या मिल गया है, ये कुछ हड्डी मिल गया है सर। ले नो देखो दूसरों की छत में बैठ गया रैगी। चलो होम स्टे चलने, चल चल होम स्टे चलना का है, तो देखो कैसे भाग गया है। तो पतेला पहुंचा के ये लोग आ गए हैं आगे हैं होम स्टे में। थकान लगी बहुत, मम्मी थक गए। जट्ठा दे दिया अम्मा को जट्ठा। धन्यवाद बन। चलिए मैं तो जा रहा हूँ होम स्टे में, भी आऊंगा खाना खाने। हाँ हाँ खाने क्या लेके आया मुँह में यार, होम स्टे में जाएगा पक्का देना। चले गया। हाँ फिर आपके लिए गिफ्ट लेके आ रहा है। ये देखो रैगी ना दादी के लिए पता नहीं क्या गिफ्ट लेके आया, देखो आपको दे रहा है। क्या लेके आया ये? पता नहीं। खाना पीना बना दिया? हाँ खाना पीना बना दिया, खा लो पेट भर फुल के जम के खाना बस। और क्या है तुम्हारा काम? हाँ सुबह तो काम करने गए थे। अब मेरे लिए किया तुमने काम? मैंने इतना खेत कमाया, इतना गाय भैंस पाला, अभी 2 लकड़ी लाया तो मैंने सुबह से काम किया, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा क्या बना रखा फिर आज खाने में? पता नहीं कैसा होता है, खा लेना एक बार। दिखा इतना क्यों फूल रहे हो आजकल आप इतना? बुढ़ा हो गया हूँ ना, अब तो मेरा उम्र हो गया 200-300 साल। 200-300 साल। तो हर बार सुबह सुबह लोग बात बकरी चरा चुंगा रहा है और गाय भैंस पाल रहा है, तो हर बार कुत्ते कुत्ते क्यों करते हो? कुत्ते के बाप हो तू, कुत्ते पाल के तेरे खेत में गोबर खाद भी डाल देगा और बीज भी डाल देगा। कुत्ते कुत्ते करते हो हर समय। तेरा बेटा है वो, क्या कुत्ते क्या लाया है घर में देखो तो, कबार ऐसे गंद गंद चीज ला रहा है घर में, इसको हटाओ यहाँ से, फेंको नीचे घर में नीचे। ये कुत्ते क्या कहेंगे ये कुत्ते से, ये लकड़ी ला रही है, पतिया ला रहा है, घास काट के आया है ये अभी, चलो इसको भगाओ। पता नहीं किसी का सींग लेके आया है, पता नहीं तेरे को दुरा दे रहा है ये सींग। तो पता नहीं ये क्या क्या लेके आया, किसका हड्डी लेके आया। दुकान में आ रहा है कि लेने आ रहा है? ये देखो इस प्रकार का हम लोग ने बाड़ लगा रखना है, तो कैसे करके जा रही है देख सकते। तो आज हम सुबह सुबह गए थे जंगल पतीले लेने और राहुल गए थे लकड़ी लेने, तो दादी जी ने बनाया है खाना। तो दादी जी के माध्यम से कुछ इस प्रकार का सुबह का खाना बन चुका है। देखो मिक्स दाल, थोड़ा बहुत सोयाबीन घी और चावल, साथ में यहाँ पर है मट्ठा, तो कितना मस्त ये खाना है। दादी आ गई, सुबह सुबह थोड़ा बहुत गाली भी दे रहे हैं और आज तो डंडी लेके आए हैं यार ये जो मैं खरीद। क्या और खाया अम्मा? किसको? अरे खेत में क्या और का गाली जो दे रहे हो आप? गाली नहीं दूंगी भी, चट्टी क्यों किया वहाँ पर? किसने? तेरे कुत्ते ने। मेरे कुत्ता करता ही नहीं ऐसा। अरे तू नहीं खा रहा खाना? आज तो डंडा क्यों पकड़ रखा हाथ में? आपको मारने के लिए। मैं जो लेके आया हूँ ये तुम्हारे बेल सेकने के लिए। क्या करने के लिए? अच्छा कल वाली वीडियो देखी ना आपकी, जिसमें आप मेरे भेल सेक देंगे कह रहे थे, तब जाके बोल रही हो। देखो यार ऐसा ऐसा बेइज्जती कर रहे हो आप मेरा। बेइज्जती तो करूंगी। क्या बेइज्जती? मेरे बराबर मैं आएगा घर बार में फिर नहीं करूंगी ना, तब तो आपको आशीर्वाद देंगे, भेल तो सेकेंगे ही। क्यों? मेरे ताकत होता तो मैं जाता जंगल में लकड़ी लाता पतिया लाता, ऐसा गाय भैंस पालती थी। अब क्या करूं? अब क्या करूं? कुछ नहीं, ताकत नहीं है मेरे को, आप खाली बोलना जैसा लग रही है। अब बीड़ी पियो बस। बीड़ी पीऊंगा तो कुछ तेरे तूने दिया बीड़ी। अब बनाऊंगी मैं। मैं नहीं यार अंदर नहीं बना रहे हैं। अंदर ही बनाएंगे, अंदर अच्छा लगता है। अरे बाहर से ही आएगा ना बैकग्राउंड। खाना खाने के बाद अभी हम दोनों में थोड़ी बहुत जो है महाभारत सी हो गई है, थोड़ा बहुत युद्ध छिड़ने वाला है हमारे बीच में। अंदर नहीं बना रहे, बाहर बना रहे हैं। अंदर बना रहे हैं। बनाना मेरे को है ना, अंदर बनाओगी? मुझे पता है ना कि उसे बहुत परेशानी होती है बाहर पे। अंदर कभी धुआं आया आज तक? क्यों नहीं आता है? और तो खुब रहा था अंदर, पहाड़ी लोग हैं तो हम किचन में अच्छा बनाएंगे ना, कि तो किचन में अच्छा लगेगा। वो बना क्या रहे हम बना रहे हम खेल रहे हैं बाड़ी बाड़ी
उसको कोई भी बोल दे कोई। वीडियो बंद करने के बाद मैंने इन्हें कुछ ज्ञान दिया जो कि ये मान चुकी हैं प्यार से जीता। और यहाँ पर हम लोगों ने जाते अंदर से लेके आए और यहाँ पर हम लोगों ने जला दिया आग। आग में रख दिया हम लोगों ने लोहे वाले कढ़ाई, तो मैडम जी ने इसमें डाल दिया पानी, यहाँ पर थोड़ा बहुत दूध पाउडर डाल दिया हम लोगों ने। बेलन के माध्यम से हम लोग यहाँ पर दूध को बड़ा करके पका रहे हैं और इसमें हम लोगों ने मिला दिया है एकदम पहाड़ी घी मिला दिया है, इतना सारा आटा डाल दिया इसमें। ये देखिए तो मैं पहली बार ऐसा पहाड़ी जो है भोजन देख रहा हूँ, पहाड़ी खान पान। इतनी ज्यादा तेज आग जल गई ना, अभी परेशान होगी क्या बन गए। हमारे बड़े मम्मी लोग अपने पशुओं के लिए दो बनाते हैं ना, वैसे बन गया यार ये तो, मुझे ऐसे लग रहा है। पूरा टूट गया नीचे यार, आराम से कर, फिर चूल्हा टूट गया है, ये सही बोल रहे थे अंदर बनाते हैं करके, पूरा चूल्हा टूट गया गिरने वाला। और का कौन सा प्लेनेट का खाना है ये? गढ़वाल। गढ़वाल प्लेनेट का। पुराने जमाने में बल हमें दादी बोलती थी जब भूख लगती थी बोलना पुराने जमाने वालों को, क्योंकि पहले बहुत काम करते थे लोग तो उनकी माँ ये बना रही थी बल। अच्छा, ये भूख लगती थी जोजा, तो सुन तो सही, आजकल के जमाने में तो काम कम होता है और खाना तो तुमने अभी खाया था, तो भूख तो लगी नहीं, तो क्यों बना रहे हो खाली? काम कम है, भूख भी अभी खाना खा रखा है फिर भी ये बना रहे हो। पुराने जमाने के लोग तो बहुत मेहनती थे। कढ़ाई क्यों नाच रही इतना? कढ़ाई को डांस करने का मन कर रहा, कढ़ाई खुश हो गई। खुशबू आ रही है, इसको मंदिर में रखेंगे। अच्छा, मंदिर में पहले। तो आज हम लोग ने हमारी पहली वाली मम्मी ना, तो आज हमने पहली बार ये बना रखा है, तो हमारे मैडम जी कह रहे हैं, जो मेरी पहली मम्मी जी है ना उनके लिए पहले मंदिर में चढ़ाने के लिए बोल रही है। बड़ा करके हम लोग पहले ले जाते हैं पापा और मम्मी जी के लिए। ये यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोगों ने अग्निदेव को भी दे दिया है। मम्मी जी यहाँ पर आ गई है और पहली बार खा रही, देखते हैं कैसा बना रखा करके। इनके गढ़वाल बनाते थे बल मिठाई। हम लोग जा रहे हैं होम स्टे में और इसमें है जो भी हमारे मैडम जी ने बनाया था। बाबा जी भी ये चीज पहली बार खाएंगे, तो उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा बना रखा है करके। अम्मा ये बना रखा आज हमने, खाएगा ये है? आप खाओगे? कौन खाएगा? आप खाइए। कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? प्रसाद है, प्रसाद। मतलब जिसका बच्चा होता है ना उसको, मतलब अंदर रहता था उसको ही खिलाया जाता है, फिर गर्म होता है। अच्छा, अब यहाँ जिसके बच्चे हो रहे उसको दे देते हैं ये? आप तेरे बच्चे होगा तेरे को देंगे। अरे वाह, कब हो रहा है इसका बच्चा? बहुत टाइम है। कब हो रहा है इसका बच्चा? अब बोल बोलना है। तो यहाँ पर बड़ा करके खिला दे दादी को और दादी ने उल्टा हमारे झंडे कर दी यहाँ पे। तो वीडियो पसंद आया और थोड़ा बहुत भी मेहनत लगे तो प्लीज यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और कमेंट करके बताना कि आज का ब्लॉग कैसा था, ठीक? तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कार्यों में हमेशा व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय।